हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आप सीख सकते हैं इजी और स्वादिष्ट रेसिपीज। आज हम बनाएंगे बहुत ही जायकेदार अमरूद की चटनी। मिनटों में तैयार हो जाने वाली ये चटनी आप इंजॉय कर सकते हैं अपने रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर एज अ डिप चिप्स के साथ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 अमरूद। आप देख सकते हैं कि ये अमरूद आधे कच्चे आधे पके हुए हैं। अगर आप पूरा पका हुआ अमरूद यूज़ करेंगे तो उसके बीज काफ़ी हार्ड होंगे, तो आप वो अवॉइड करें। यहाँ हमने दोनों अमरूद को स्लाइसेस में कट करके मिक्सर जार में डाल दिया है। उसके साथ हमने थोड़े अदरक के टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। साथ में हमने इसमें डाल दी हैं 2 से 3 हरी मिर्चें। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्चें अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा इसमें डलेगा काला नमक। ये सब चीज़ें जार में डालने के बाद आप लिड को बंद करें और इसको दरदरा पीस लें। आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से दरदरा पीसा है। आप इसमें थोड़ा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब इसी समय हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा बंच धनिए का, और मुझे तो खट्टी खट्टी चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा लेमन भी स्क्वीज़ करेंगे। अब मिक्सर जार की लिड हम फिर से बंद करेंगे और इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, हमारी चटनी यहाँ रेडी है। अब इस मज़ेदार सी चटनी को हम बोल में फटाफट से निकाल के टेस्ट करते हैं। इस वीकेंड नानी के घर मम्मी ने ये चटनी बनाई और सब कज़न्स ने ऐसे उंगलियां चाट करके खाई कि बस आप पूछे ही मत। चिप्स और ये चटनी और साथ में मूवी नाइट, वाह क्या कॉम्बिनेशन था। अमरूद की वजह से इसमें तो 4 चांद लग गए। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें कॉमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।